दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है मौत का दूत। ये राम रेमी कॉमिक्स है, इसमें बल एजेंट दिखा रखे हैं, तो पढ़ते हैं इसको। मौत का दूत। राम रेमी एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, जासूसी उनका शौक है। इसी शौक में ही वे बाल सीक्रेट सर्विस के एजेंट बन जाते हैं। इस सीक्रेट सर्विस के चीफ कर्नल मुखर्जी हैं, जो कि मिलिट्री के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। राम रेम ने भूत महलो डैकुला बालक वाला केस किस बहादुर और बुद्धिमानी से हल किया, यह पिछले अंकों में पढ़ चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने ये कॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना, ये दोनों कॉमिक्स आपको मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में बाल एजेंट राम रेम के फोल्डर का नाम है उसके अंदर, तो पढ़ते हैं आगे से। मैं स्कूल की ओर से सेठ करोड़ी मल जी का स्वागत करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने विचार आपके सामने रखे। धन्यवाद प्रिंसिपल साहब। एक दिन राम रेम के स्कूल में सालाना जलसा हुआ। किसी देश के बच्चे उसके भावी निर्माता होते हैं। मुझे विश्वास है मेरे बच्चों कि पढ़ लिख कर बड़े होकर एक दिन तुम भी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करोगे। मैं स्कूल को 50,000 रुपये का अनुदान देता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमेशा की तरह यह रुपया भी स्कूल की उन्नति व बच्चों को अच्छी शिक्षा व सुविधा पर खर्च किया जाएगा। मैं सब की ओर से सेठ जी का आभार प्रकट करता हूँ, जिनके कारण हमारा स्कूल दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। शेर करोड़ी मल्क जी की जय। जलसे में बच्चों को इनाम भी बांटे गए। राम रीम हमारे स्कूल के सबसे होनहार विद्यार्थी नहीं बल्कि खेल कूद में भी सबसे आगे हैं। सभी बच्चों को इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। हम हमेशा आपके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे श्रीमान। शाबाश मेरे बच्चों। जलसा समाप्त हुआ। राम भैया कितने अच्छे और ऊंचे विचार हैं सेठ जी के। हाँ, शहर के सबसे बड़े धनवान लेकिन सीधे साधे धर्मात्मा। उनके दया पर ही बहुत से स्कूल व अनाथ आश्रम चल रहे हैं। राम रेम स्कूल से बाहर निकले। देश के सारे धनवान यदि सेठ जी जैसे हो जाएं तो कितना अच्छा हो। तब न केवल देश में कोई गरीब रहेगा बल्कि दुनिया की नजरों में हमारा देश एक मिसाल बनकर रह जाएगा। काश यह सपना सच हो सकता। यह सपना एक दिन अवश्य सच होगा राम भैया। आखिर तुम इतने निराश क्यों हो? तभी ईश्वर के नाम पर कुछ दो बाबू। वह देखो, जब जब तक हमारे देश के भावी निर्माता इस प्रकार भीख मांगते रहेंगे, तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा रहीम। भगवान तुम्हारा भला करे बाबू। राम भैया, एक तरफ तो तुम इन भीख मांगने वालों से नफरत करते हो और दूसरी तरफ तुम खुद ही इन्हें भीख देते हो। न जाने क्यों इनकी हालत देखकर मुझे दया आ जाती है। भगवान के नाम पर बाबू, मुझे तो भैया इन पर नहीं, इनके माँ बाप पर दया आती है, जो इन्हें अपना पेट भरने के लिए भीख मांगने पर मजबूर करते हैं। माँ बाप? अरे ओह! अचानक किसी विचार के आते राम चौंक उठा। क्या हुआ तुम्हें? तुम चौंके क्यों? भगवान के नाम पर, वह लड़का रही मेरे साथ आओ, आखिर कुछ बताओगे भी? मुझे वह लड़का कुछ जाना पहचाना सा लगता है। जाना पहचाना लेकिन कौन है? कहीं तुम उसकी भी जासूसी करने की तो नहीं सोच रहे? राम रेम के साथ पुनः उस भिखारी लड़के के पास पहुंचा। ईश्वर के नाम पर बाबू, तुम राम हो ना? जोली राम जी के लड़के आए। छह महापुरुष तुम घर से भागे थे, तुम वही राम हो ना? नहीं तो तुम कौन हो? भिखारी लड़का राम के प्रश्न से घबरा उठा। तुम झूठ बोलते हो, तुम राम ही हो। बताओ तुम्हारी हालत किसने की, किसके लिए तुम भीख मांगते हो? हाँ, मैं रामू ही हूँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं राम और यह रहीम। तुम हमारे मालिक के भाई राम भरोसे के लड़के हो, पहचाना नियम है। ओ तुम, उनके असलियत जानते ही वह लड़का भयभीत होकर घसीटता हुआ तेजी से सड़क पार करने लगा। रुक जाओ रामू, वरना ट्रक के नीचे आ जाओगे। नहीं, मैं रामू नहीं हूं, मैं कुछ नहीं जानता, वह मुझे मार डालेगा। और तभी आई ट्रक रामू को कुचलता हुआ आगे निकल गया। रेम, जल्दी से ट्रक का नंबर नोट करो, उसने जानबूझकर रामू को कुचला है, मैं रामू को देखता हूँ। ओह, लेकिन उस पर नंबर प्लेट नहीं है। राम रेम खून से लथपथ रामू के निकट पहुंचे। बेचारा भागा। प्लीज हमारी मदद कीजिए, इसे हॉस्पिटल ले चलिए, बेकार है, यह मर चुका है। साले ट्रक वाले अंधे होकर गाड़ी चलाते हैं। यह मात्र एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि इसकी हत्या की गई है। रहीम, तुम पुलिस को फोन करो। अच्छा, यह तुम कैसे कह सकते हो? चलो भाई चलो, इस भिखारी के लिए हम क्यों झंझट झंझट में पड़े।
कुछ देर बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो भीड़ छंट चुकी थी। इंस्पेक्टर अंकल, हमने अपने अपनी आंखों से देखा है, उस ट्रक चालक ने इसे जानबूझकर मारा है। क्या बकवास है, यह मैजिक एक्सीडेंट है, भला कोई क्यों इस भिखारी की हत्या करना चाहेगा। बेशक यह गरीब और अपाहिज लड़का था इंस्पेक्टर अंकल, लेकिन हत्या हत्या ही होती है। यह गरीबी अमेरिका नहीं, कानून का प्रश्न है। तुम छोकरो, मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। आखिर राम रहीम को खामोश हो जाना पड़ा। उसी रात शहर से दूर एक मकान में, वह देखो हरी बत्ती हो गई, बॉस आने वाले हैं। तभी, नमस्कार बॉस, गुड इवनिंग बॉस। क्या सारे छोकरे आ गए? यस बॉस, रामू को छोड़कर। हमें मजबूरन उसे समाप्त करना पड़ा। ओह क्यों बॉस? यदि हम ठीक समय पर उसे खत्म नहीं कर देते तो वे राम रहीम नाम के छोकरे हमारी असलियत उसे जान लेने में सफल हो जाते। शाबाश, यह तुम लोगों ने अकल मंदी का काम किया, किसी को संदेह तो नहीं हुआ ने? नहीं बॉस, हमने गाड़ी के नंबर प्लेट साफ कर दी थी। फिर इंस्पेक्टर गेंडा राम को उन छोकरों की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह उस दुर्घटना को मैज एक एक्सीडेंट समझकर हमारी खोजबीन कर रहा है। गुड, लेकिन तुम्हें उन दोनों छोकरों राम रहीम से सतर्क रहना है, बहुत ज्यादा चालाक व खतरनाक है वे। अब चलो अपने अपने लड़कों की कारगुजारी की खबर लेते हैं। उसके बाद बॉस अपने गुरुओं के साथ एक लंबे चौड़े हॉल में पहुंचा। सलाम बॉस, सलाम बॉस, सलाम, दिन भर की रिपोर्ट पेश करो। छोकरे एक एक करके अपना अपना माल बॉस को पेश करो। वे लड़के अपने बॉस के अधीन जरायम पेशा करते थे। आज मैंने 8 पॉकेट मारी है बॉस, काफी तगड़ा रकम हाथ लगी है। शाबाश, तुम्हें आज आज तगड़ा इनाम मिलेगा। रात में बॉस प्रतिदिन उनके जरायम पेशे की कमाई अपने अधिकार में ले लेता था। बॉस, मेरे हाथ आज आज 3 कीमती हार लगे हैं। तुम बहुत अच्छे जा रहे हो शंकरा। बॉस, मैंने आज नकली शराब की 20 पेटियां ग्राहकों को सप्लाई की, रकम इस थैली में। बहुत बढ़िया, हमारी शराब से देश की आबादी तो कम होगी, साथ ही साथ लोगों को पीने की लत भी छूट जाएगी। और तुम्हारा क्या रहा छोकरे? मैं आपके बताए हुए आदमी से मिला था बॉस, और आपका दिया सोने का बैग मैंने उसे दे दिया। बदले में उसने अफीम, कोकीन और चरस के ये पैकेट दिए। उसका कहना कि माल की खपत और ज्यादा होनी चाहिए। खपत जरूर बढ़ेगी, आजकल की नई नई पीढ़ी तेजी से नशीले द्रव्यों का सेवन करने की आदि होती जा रही है। पूरे देश को हमें नशे का आदि बनाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। दिलावर, तुम इसे उन लोगों के पते दे देना जिन्हें यह माल पहुंचाना है। यस बॉस। और तुम सुनो लड़के, काम होशियारी से होना चाहिए, आप निश्चिंत रहे बॉस। और तुमने आज कितनी आमदनी की कालू? 15 रुपए 13 पैसे बॉस। यारी बॉस, आजकल लोग भीख देने में भी कंजूसी करते हैं। तड़ा आह रैम बॉस, अब तुम दिन प्रतिदिन निकम्मे और आलसी होते जा रहे हो। कल से यदि यह आमदनी नहीं बढ़ी तो तुम्हारी आंखें भी फुटवा दूंगा। और तुम कहां तक पहुंचे ठिगू? बॉस, आज मौका पाकर मैंने मालिक की तिजोरी पर हाथ साफ कर ही दिया। बेचारा वह मुझे मामूली सा छोकरा समझ नौकर रखे हुए था, आज उसके विश्वास को मैंने 4 चांद लगा दिए। शाबाश ठेकू, माल कहाँ है? वेरा बॉस, और तुम आज क्या लाई पतलू राम, मुफ्त की खा खा कर तो तुम सांड हुए जा रहे हो। बॉस, मेरा था आज आज कुछ भी नहीं लगा। हाय मर गया तड़ाक, राम कौर हमें मूर्ख बनाता है, मौत के दूत को हम तेरी खाल उतार देंगे। रैम बॉस, दिलावर, इसके हाथ पैर तोड़ दो और आंखें फोड़ दो। कल से अभी हमारे भीख मांगने वाले सी ग्रुप के साथ जाया करेगा, ऐसे नकारों के लिए यही काम अच्छा है। ओके बॉस। और तुम छोकरो कान खोल कर सुन लो, जिसने भी हमारे आदेश की अवहेलना की उसे मौत का दूत यानी मैं यही सजा दूंगा। अब देखो पतलू गाल और सबक लो, पहले इसकी आंखें फोड़ो, उसके बाद हाथ पैर तोड़ देना। मुझे विश्वास है इससे भीख सबसे ज्यादा मिलेगी। नहीं, मुझ पर रहम करो बॉस, आइंदा से तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। अगले पल, नहीं आई, हा, ले जाओ उसे और मरहम पट्टी कर दो। यस बॉस। और छोकरा, मुझे विश्वास है कि तुम लोग अपना काम पूरी लगन, होशियारी और ईमानदारी से करोगे। अब जाओ और खा पी कर मौज करो। बच्चों के जाने के पश्चात इन बच्चों पर निगरानी और अधिक बढ़ा दो।
क्योंकि वे दोनों जासूस छोकरे अवश्य रामू की मौत का रहस्य जानने की चेष्टा करेंगे, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ही होगा बॉस, आप निश्चिंत रहें। कोई नया शिकार हाथ आया? यस बॉस, तीन छोकरे उम्मीद है, उन्हें भी जल्दी अपने रंग में डाल लेंगे हम, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। उसके बाद वे अन्य कमरे में पहुंचे जहां तीन लड़के कैद थे। सड़ाक सड़ाक, ओ हमें मत मारो, उफ, बोलो हमारा कहना मानोगे? नहीं, हम बुरा काम नहीं करेंगे। अच्छा तो और मार खाओ। बॉस काफी ढीठ लड़के हैं, काफी पिटाई होने के बावजूद भी तैयार नहीं हो रहे। उफ हाय, इनका बाप भी तैयार होगा, अभी इन्होंने मौत के दूत का भयानक रूप नहीं देखा। छोकरा अब भी मान जाओ वरना मार मार कर खाल उतार ली जाएगी। नहीं, हम तुम बदमाशों का कहना नहीं मानेंगे। आ हमें छोड़ दो, हमें घर जाने दो। अच्छा तुम छोकरों की हिम्मत, टाइगर टॉम बोगा, मार मार कर इनकी चमड़ी उधेड़ दो, फिर भी न माने तो छत से उल्टा लटका दो, तब भी हम तुम्हारी राह पर नहीं चलेंगे। आह कट जाएंगे मर जाएंगे फिर भी नहीं। लड़कों की जिद देखकर कुंबोस क्रोध से बिफर उठा। इनकी आंखें फोड़ दो, हाथ पैर तोड़ डालो, इतना बदसूरत बना दो कि इनके माँ बाप इन्हें न पहचान सके, समझे? यस बॉस। अगले दिन सुबह, अब तुम अखबार में ही खोए रहोगे या नाश्ते के लिए भी तैयार होगे। तुमने अखबार पढ़ा रहीम? हाँ, और ये अभी देख लिया कि रामू की मौत की खबर एक साधारण घटना के रूप में छपी है, परंतु शायद तुमने इस समाचार की ओर ध्यान नहीं दिया। शहर से आजकल गरीब तबके के कुछ लड़के रहस्यमय तरीके से लापता हो रहे हैं। कुछ ऐसे लापता लड़कों की पुलिस ने खोज भी निकाला है, लेकिन वे गूंगे बहरे व लंगड़े लूले मिले रामू की तरह भीख मांगते हुए। हाँ यह समाचार मैंने पढ़ा है, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? उन लड़कों के अभिभावकों का कहना है कि जब वे घर से भागे थे और लापता हुए थे तब बिल्कुल ठीक ठाक थे। यानी तुम यह कहना चाहते हो कि उन्हें जानबूझकर लूला लंगड़ा अंधा व बहरा गूंगा किया गया होगा? बिल्कुल, और मुझे यह भी विश्वास है कि इसके पीछे किसी भयानक गिरोह का हाथ है। अच्छा अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, क्यों कहाँ जाने का इरादा है बाद में बताऊंगा। कुछ देर बाद जब वे तैयार होकर बाहर निकलने के वो, अरे तुम दोनों सुबह सुबह कहाँ चल दिए? कुछ जरूरी काम है मम्मी, लंच पर हमारा इंतजार न करना, हो सकता है शाम तक लौटे। राम रे मोटरसाइकिल पर सवार होकर शहर का चक्कर लगाने लगे। कहीं तुम तो फिर किसी भीख मांगने वाले लड़के की तलाश में तो नहीं? बिल्कुल ठीक समझे प्यारे भाई। कुछ ही घंटों के पश्चात एक स्थान पर, राम भैया वह देखो, हाँ रामू की तरह कोई भिखारी लड़का है, चलो कुछ दे आते हैं उसे। मेरे विचार से मैं मोटरसाइकिल यहीं छोड़ देनी चाहिए, उतरो। यह तो ठीक है राम, लेकिन मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है। अल्लाह के नाम पर, क्या विचार आ रहा है जरा हम भी तो सुने। यदि रामू की जानबूझकर हत्या की गई है तो यह साफ है कि अपराधी उस पर नजर रखे हुए था, और वह अवश्य हमसे भी परिचित रहा होगा, और नए कारण ही उसे वह उसे न मारता। ऐसी हालत में कहीं इसे भी वह मार न दे। वो फिर, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। वास्तव में इस समय तुमने बड़ी बुद्धिमानी की बात की है, हम तो हमेशा यह अकलमंदी की बातें करते हैं लेकिन तुम ये मैं नकारा समझते हो। खैर छोड़ो, आगे की सोचो। ऐसा करो तुम मेरे पीछे रहकर चारों तरफ निगाह रखना, हो सकता है उस पर नजर रखने वाला व्यक्ति तुम्हारी नजर में आ जाए, मैं उसके निकट जाऊंगा, परंतु बात तो यह मुझे मेरा हुलिया बदल देगी। देखो थोड़ी देर बाद, वाह राम भैया, इस समय तो तुम भी कोई छठे हुए बदमाश लग रहे हो, तो फिर मैं चलता हूं, तुम कुछ फासला रखकर मेरे पीछे आओ। फिर राम उस भिखारी लड़के के निकट पहुंच गया। रहीम उससे कुछ फासले पर रुककर चार और निगाहें दौड़ाने लगा। अल्लाह तुम्हारा भला करे बाबू, हम बेचारा अंधा भी है, वे राक्षस कितने जालिम है। अल्लाह के नाम पर, सहसा बीख देते देते राम के मस्तिष्क में एक विचार तेजी से आया और वह धीरे से बोला, सावधान, पुलिस तुम पर निगाह रखे हुए हैं, रात यहीं काटना, अड्डे पर मत जाना। ओह अच्छा, राम का काम पूरा हो चुका था, वह तेज से आगे बढ़ गया। अल्लाह के नाम पर कुछ देता जा, तो मेरा संदेश सही निकला या किसी गिरोह का ही शिकार है और उनके इशारों पर ही भीख मांगता है। एक लंबा चक्कर काटने के पश्चात राम भीम अपनी मोटरसाइकिल के निकट पहुंचे। क्या रहा राम, तुम उससे कुछ कह रहे थे?
मेरा संदेह ठीक निकला रेम, वह किसी गिरोह के इशारे पर ही भीख मांग रहा है। क्या कोई संदिग्ध व्यक्ति तुम्हारी निगाह में आया? हाँ, वह देखो उस पेड़ के नीचे जो सिगरेट पी रहा है। फिर राम ने उस भीख मांगने वाले लड़के से हुई बातचीत रहीम को बता दी। अब संदेह की कोई गुंजाइश नहीं, हमें इनकी निगरानी करनी होगी। मर गए, न जाने अभी ये कब अपने अड्डे की ओर जाए। तभी, अरे रहीम, वह देखो, वह व्यक्ति उसी भिखारी लड़के की ओर जा रहा है। वास्तव में कहीं कहीं उसे संदेह तो नहीं हो गया? वह तो उसे कुछ बातें कर रहा है। हाँ, भीख देने का बहाना करता हुआ कुछ गड़बड़ मालूम होती है, लेकिन वे दोनों आपस में क्या बातें कर रहे थे यह राम रहीम नहीं जानते थे। उधर वह व्यक्ति भिखारी लड़के से पूछ रहा था, कितना इकट्ठा हुआ बोलू? बॉस ने आज जल्दी अड्डे पर पहुंचने के लिए कहा है, पुलिस का खतरा बढ़ रहा है। पुलिस? क्या मतलब, कौन हो तुम? अबे, मरने का इरादा है क्या? मेरी आवाज नहीं पहचानता? मैं मौत के दूत का गुलाम दिलावर हूं। तो फिर वो कौन था जो मुझे थोड़ी देर पहले पुलिस से सावधान कर गया था और अड्डे पर न जाने के लिए कह गया था? ओह, जरूर कहीं कोई गड़बड़ है। तुम चुप क्यों हो गए? मूर्ख, वह कोई पुलिस का ही आदमी होगा, क्या बक दिया तुमने उससे? नहीं, मैंने कुछ नहीं बका, मैंने तो उसे सिर्फ इतना ही कहा था, ठीक है। रामजादे, तूने सब गड़बड़ कर दिया, अब तुझे मरना ही होगा। नहीं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे बचा लो दिलावर भैया। मैं तो अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से कर रहा हूँ, बॉस भी मेरी कमाई से खुश है। अगले पल दिलावर ने तेजी से अपने हाथ में पकड़ी हुई सुई जोर से उसके बाजू में घुसेड़ दी। उफ, और सुई चुबाने के बाद वह आगे बढ़ गया। अरे, वह तो जा रहा है, तुम ये रुक कर भिखारी लड़के की निगरानी करो, मैं उस बदमाश का पीछा करता हूँ। राम मोटरसाइकिल द्वारा दिलावर का पीछा करने लगा। जल्दी टैक्सी। अच्छा हुआ मैं मोटरसाइकिल लेता आया। राम बराबर उसी उसके पीछे लगा रहा, न जाने कम वक्त कहाँ जा रहा है। घूम तो छोकरा अभी भी पीछे लगा हुआ है, अब तो इसे निपटना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद वे शहर से बाहर निकल आए। यह तो शहर से बाहर आ गया, कहीं उसे पीछा किए जाने का संदेह तो नहीं हो गया? इधर रहीम उस भिखारी लड़के की निगरानी करते करते अचानक चौंक पड़ा। 20 मिनट हो गए, समझ में नहीं आता किसने अचानक आवाज लगानी क्यों बंद कर दी। तभी एक राहगीर ने जैसे भिखारी के कटोरे में सिक्का डाला, आए इसे क्या हुआ? अरे, यह तो गिर रहा है किसी बेजान बुत की तरह। रहीम लपक कर उसके निकट पहुंचा, क्या हुआ इसे? पता नहीं, अपने आप लुढ़क गया। जल्दी आते जाते लोग भी कारण जानने के लिए वहां एकत्रित हो गए। क्या हुआ, क्या हुआ भाई? यह तो मर चुका है। प्लीज आप में से कोई पुलिस को फोन करे, यह अपने आप नहीं मरा, मुझे संदेगी से जहर देकर मारा गया है। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। बिल्कुल, भला इस भिखारी का कत्ल कौन करेगा और क्यों करेगा? अरे भाई, पुलिस इसमें क्या करेगी, जरूर भूख से मरा होगा। पुलिस की बजाय सफाई विभाग को फोन करो, ले जाएगी इस लावारिस को उठाकर। रहीम ने काफी देर तक लोगों को समझाने का प्रयास किया, परंतु किसी ने भी रहीम की बात पर ध्यान न दिया और जल्दी भीड़ तितर बितर हो गई। जरूर उसी उसी बदमाश ने इसकी हत्या की है, शायद उसे संदेह हो गया होगा। उधर, यह तो लाल खंडों का इलाका कहलाता है, कहीं यही तो इनका अड्डा नहीं? बच्चे खुद वह कुछ जाल में फंसता जा रहा है। दिलावर जैसे खंडरों के भीतर एक स्थान पर पहुंचा। खबरदार, कोई गलत हरकत करने की चेष्टा न करना, हाथ ऊपर उठा लो, यह मैं दिलावर हूं। ओ, आप क्या बॉस ने भेजा है? अचानक कैसे आना हुआ? यह सब बाद में बताऊंगा, फिलहाल समय नष्ट न करके उस छोकरे की खबर लो जो मेरा पीछा करता हुआ यहां तक आ पहुंचा है। ध्यान रहे, वह जीवित बचकर नींद निकलना चाहिए, वरना आप निश्चिंत रहिए, हमारा मारा पानी भी नहीं मांगता। जब राम खंडरों के भीतर पहुंचा, यहां तो कोई नहीं, पता नहीं वह कम वक्त कहाँ गायब हो गया। तभी, हा, आखिर फंसी गए हमारे जाल में, अब बचकर कहाँ जाओगे बच्चे? हम तो यह इसकी चाल थी, तुम्हें तुम्हारी मौत यहाँ खींच कर लाई है, अपने भगवान को याद कर लो। लेकिन इससे पहले कि बदमाश उस पर आक्रमण करते, राम ने एक लंबी उछाल भरी। उफ, अरे बाप रे, हाय, ठहर रामजादे, आज मेरा चाकू तेरे खून से अपनी प्यास बुझाकर ही रहेगा। पहले अपनी तो चिंता करो प्यारो, धड़ाक आई आह।
तभी ओ तो वह वहां छुपाए, फिलहाल तो बाघ निकलने में ही भलाई है। धोए पिसा करो राम जादो, बचकर नहीं जाना चाहिए वरना तुम्हारी खैर नहीं। रुक जाओ वरना मारे जाओगे। धोए धोए किसी तरह अपनी मोटरसाइकिल तक पहुंचूं, किसी तरह बचता बचाता आखिरकार राम अपनी मोटरसाइकिल तक पहुंचने में सफल हो गया। ओह पकड़ो उसे फायर। धोए धोए अब तो बचो, तुम मेरी धूल भी नहीं पा सकोगे। राम मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर झाड़ियों से बाहर ले आया। रोको वरना मारे जाओगे, भागने की कोशिश बेकार है। बदमाशों को रास्ता रोके देख राम पर जैसे पागलपन सवार हो गया। उसने मोटरसाइकिल उन्हीं पर चढ़ा दी। ओह उफ बदमाश पूरी तरह बौखला उठे। अरे बाप रे, फिर इससे पहले कि वे दोबारा संभल पाते राम ने मोटरसाइकिल पूरी गति से शहर की ओर दौड़ा दी। वो निकल गया। दिलावर को खबर करो तुरंत। जब राम वहां पहुंचा जहां रहीम को छोड़कर गया था, अरे भिखारी लड़का क्या हुआ उसे? ओ जरूर कोई बात है। ओ राम, तभी राम की प्रतीक्षा में एक तरफ खड़ा रहीम उसके निकट पहुंच गया। यह सब क्या रहीम, क्या हुआ इसे? मुझे संदेह की उसी बदमाश ने इसकी हत्या कर दी। राम ने भी उसे आप बीती सुनाते हुए कहा, मेरे विचार से अब हमें इन सारी बातों से चीप को अवगत करा देना चाहिए। तुम ठीक कहते हो राम, यह केस अब भयानक रुख पकड़ता जा रहा है। और राम ने उसे सारी कहानी बता दी। अगले पल वे दोनों मोटरसाइकिल पर सवार हो सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर की ओर उड़े चले जा रहे थे। मेरे विचार से यदि लाल खंडरों पर तुरंत तुरंत ही छापा मारा जाए तो वे बदमाश पकड़ में आ सकते हैं। बेकार, अब कोई फायदा नहीं होगा। वे लोग मूर्ख नहीं जो अब तक वहां बैठे अपने पकड़े जाने का इंतजार कर रहे होंगे। फिर कुछ ही देर बाद वे चीफ मुखर्जी के सामने थे। गुड नून चीफ, ओ तुम कहाँ गायब थे सुबह से? मैं न जाने कितनी बार तुम्हारे घर फोन कर चुका हूं। उत्तर में राम ने सारी कहानी चीफ मुखर्जी को सुना दी और अंत में बोला, चीफ अब इस केस को भयानक रूप पकड़ता देख और यह समझ कर कि अपराधी को छोटा मोटा नहीं है, उचित यही समझा कि आपको सारी स्थिति से अवगत करा दिया जाए। यह तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि मैं स्वयं भी इसी केस के संबंध में तुमसे बात करना चाहता था। ओ कोई विशेष उत्तर आपके हाथ लगा चीफ? हाँ, लेकिन इस केस को तुम मात्र बच्चों से भीख मंगवाने वाले गिरोह का एक केस मत समझो। सुनो मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं। इन बच्चों के पीछे जो गिरोह काम कर रहा है वह न केवल इनसे भीख ही मंगवाने का धंधा करता है बल्कि नाजायज शराब की बिक्री, पॉकेटमारी, चोरी व राजनी भी करवाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कुछ ऐसे लड़के पुलिस के हाथ लगे भी जिन पर पुलिस को संदेह है कि वे उसी गिरोह के लिए काम करते हैं, लेकिन वह असलियत किसी किसी भी कीमत पर बताने के लिए तैयार नहीं, अवश्य ही भय के कारण। मेरा भी यही विचार है, जबकि उनका यही कहना कि केवल पेट भरने के लिए ही वे मजबूरी में अपने लिए यह सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे कितने लड़के हैं चीफ, और वे इस समय कहाँ हैं? फिलहाल दो हैं और पुलिस रिमांड में होने के कारण अभी तक लॉकअप में है। क्या किसी ने उनकी जमानत आदि लेने या उनसे मिलने की कोशिश नहीं की? नहीं। ओह, कुछ देर तक खामोश रहने के पश्चात सहसा राम उछलता हुआ बोला, मेरे दिमाग में एक योजना आई है चीफ। क्या? जल्दी कहो। आप स्वयं उन दोनों की जमानत लीजिए और उन्हें छुड़ा दीजिएगा। क्या? यह तुम क्या बक रहे हो? जानते नहीं वे पुलिस रिमांड में है और मैं घबराया नहीं चीफ, आपकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी, बल्कि वे दोनों लड़के मुख्य अपराधी तक पहुंचने के लिए हमारा सहारा बनेंगे। परंतु मैं समझ गया चीफ, मैं समझा नहीं जो कहना साफ साफ कहो। क्या? राम भैया शादी यह कहना चाहते हैं कि जब वे जमानत पर छूटेंगे तो यह समझ कर कि उनके बॉस या गिरोह के आदमियों ने उनकी जमानत ली है, वे अपने अड्डे पर जाएंगे और हम उनका पीछा करते हुए मुख्य अपराधी तक पहुंच जाएंगे। शहबाज सलीम, तुम बिल्कुल ठीक समझे। वेरी गुड, तुमने तो बहुत दूर की सोची राम। शहबाज, अब आप तुरंत तुरंत उनकी जमानत का इंतजाम कीजिए। चिंता मत करो, कल रात तक उन्हें लॉकअप से बाहर कर दिया जाएगा। तो फिर हमें आज्ञा दीजिए, लेकिन हाँ उन्हें छोड़ने से पहले मैं सूचित करना नहीं भूलिएगा। ऐसा ही होगा, लेकिन लेकिन तुम लोग
भी जरा होशियार रहना, अपराधी काफी खतरनाक प्रतीत होता है। दो जाने वाले ले चुका है, उसके लिए तुम्हारी जान की भी कोई कीमत नहीं होगी। आप हमारी चिंता न कीजिए चीफ। हाँ चीफ, हम कोई बंगाली रसगुल्ला नहीं जिसे हर कोई हजम कर जाए। उसके बाद राम ने चीफ से विदा ले, ऑफिस से बाहर आ गए। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम राम भैया? आइडिया तो वास्तव में तुम्हारा काफी जोरदार रहा। अब सीधे घर चलेंगे, मम्मी इंतजार कर रही होगी। बुर्का बॉस कौन था? क्या राम ने अपनी योजना में सफल हो सके? क्या राम ने मौत के दूत को पकड़ने में सफल हो पाए? क्या लाल खंडर की ही मौत के दूत का अड्डा था? तो दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट है, अपने देश के दुश्मन। तो ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी, और मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में।